कोरोना की दो वैक्सीन को सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही सबसे पहले इसका विरोध करने मैदान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उतरे और उन्होंने इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी विरोध के सुर सुनाई देने लगे। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर और जयराम रमेश ने वैक्सीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष की तरफ से वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं को जवाब दिया। देश में बनी कोरोना वैक्सीन के विरोध पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं होता। उन्होंने ये भी लिखा कि पूरा देश वैक्सीन मिलने पर खुशी मना रहा है। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष गुस्से में भरा नजर आ रहा है और वैक्सीन का मजाक उड़ाया जा रहा है और वैज्ञानिकों की कोशिश का अपमान हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं पर लोगों में भ्रम पैदा करने का भी आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है कि कोरोना महामारी के भारत में आने के एक साल के भीतर ही हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से इसकी वैक्सीन तैयार कर ली। जब पूरा राष्ट्र इसकी खुशी मना रहा है तो कांग्रेस की नेतृत्व वाला विपक्ष गुस्से, बेहुदापन और नफरत से भरा हुआ है। कांग्रेस और विपक्ष को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं है। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन पर उनके झूठ का कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के लोग इस तरह की राजनीति को नकारते हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे लिखा, अपने खुद की नाकाम राजनीति और दकियानूसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेता लोगों के मन में घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे अन्य मुद्दों पर राजनीति करने की अपील करता हूं। उन्हें लोगों की जिंदगी और कड़ी मेहनत से होने वाली कमाई से खेलने से बचना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से तैयार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक नहीं हुआ, इसको समय से पहले मंजूरी दी गई, जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कृपया सफाई दे। ट्रायल पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस बीच भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी मुंबई से आशीष दीक्षित लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, अब वैक्सीन को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है, मुंबई में इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस समय हम खड़े हैं रजा एकेडमी के ऑफिस के बाहर, जहां पर रजा एकेडमी के लोगों ने वैक्सीन मिलने पर सबसे पहले एतराज जताया था। WHO को एक लेटर लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि इस वैक्सीन में मिलावट है और इस वैक्सीन में सुअर के चर्बी को मिलाया गया है, जो कि इस्लाम में उसका सेवन करना बिल्कुल ही उसकी इजाज़त नहीं है, इसीलिए विरोध जताया था। लेकिन जैसे जैसे सियासत इस पर बढ़ने लगी तो अब उन्होंने अपना स्टैंड वापस लिया है और साफ तौर पर एक बयान जारी करके ये कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि इस वैक्सीन पे कोई मिलावट नहीं है और सरकार को मुबारकबाद उन्होंने दी है और ये कहा है कि अगर इसमें कोई मिलावट नहीं है तो वो राजी खुशी ये वैक्सीन लगाएंगे। बिल्कुल आशीष, आपने रजा एकेडमी का जिक्र किया, आपसे हम समझना चाहेंगे कि कांग्रेस तो विरोध कर रही है वैक्सीन का, लेकिन इस बीच इस पर शिवसेना का क्या स्टैंड है? जी, शिवसेना इसका स्वागत कर रही है, शिवसेना वैक्सीन को लेकर ये स्वागत कर रही है और शिवसेना का साफ है कि शिवसेना की भूमिका ये साफ है कि इस तरीके की वैक्सीन आए और सबसे ज्यादा राज्यों में, देश में जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उसमें से महाराष्ट्र एक है, तो जल्द से जल्द ये वैक्सीन महाराष्ट्र में आ जाए, ये शिवसेना का भूमिका है। बिल्कुल, हम दिल्ली चलते हैं, अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, आप दिल्ली में कहां पर हैं और वैक्सीन को लेकर के आम लोगों की राय क्या है?
देखिए इस वक्त तो हमारे साथ जो लोग हैं अभी वो चले गए हैं, लेकिन आम लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर यहाँ पर राजनीति की जा रही है वो नहीं की जानी चाहिए। वैक्सीन हमारे देश के साइंटिस्ट का एक प्रयास है और जिसकी सराहना है देश के लिए यहाँ पर बनी। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते, भैया वैक्सीन है, वैक्सीन आई है, उसको लेकर विपक्ष बयान दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप युवा हैं, आपका क्या कहना है? वैक्सीन आ रहे, वैक्सीन लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ही है। अगर वो वैक्सीन आएगा लोगों तभी लगेंगे, तभी तो ज़िंदगी बचेगी। अब वो नहीं आएगा तब तक थोड़ी ना पाएगा, तो वो तो सही है। कांग्रेस कह रही है कि फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ, अखिलेश कर रहे हैं मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, आप क्या महसूस करते हैं? नहीं नहीं, बीजेपी का कहने से, विपक्षी के कहने से कुछ नहीं होगा। वैक्सीन तो जिंदगी बचाने के लिए है ना, उसी के चलते अभी इतना सारा कुछ हुआ। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि वैक्सीन को लेकर राजनीतिक पार्टियां, वैक्सीन को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं, तो इस पर और मतलब उनका रोल क्या होना चाहिए? किनका? राजनीतिक पार्टियों का रोल क्या होना चाहिए? राजनीतिक पार्टी तो अपना वो बस वो देखते हैं कि नहीं ऐसे है, गलत है, ये नहीं हुआ, ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब कुछ होने के बाद ही है हो रहा है ये। तो इनका यही कहना है कि सब कुछ जो जितनी पद्धति है, जितने मापदंड है वो अपनाए गए, उसके बाद ही पूरा प्रोसीजर हो रहा है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये दिल्ली के लोगों की राय है। अमित, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस तो सवाल खड़े कर रही है कि कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, खतरनाक हो सकती है, लेकिन जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड है इस वैक्सीन को लेकर? देखिए कल भी यहाँ पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था और दिल्ली सरकार का यही कहना है कि जो साइंटिस्ट के जो एफर्ट है उनका वो स्वागत करते हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये बयान आया था, जरूर आया था, लेकिन बाद में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया था। तो अलग अलग जो जहाँ तक पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, वो वैज्ञानिकों के प्रयास को वो एक सराहनीय प्रयास करार दे रहे हैं, देश के लिए पूरी की पूरी कवायद करार दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जब कुछ ऐसे नेताओं की ओर से बयान आता है, जैसे शशि थरूर हुए या फिर राशिद अलवी हुए या फिर अखिलेश यादव हुए, तब देश की जनता उनके मन में भी ये सवाल उठता है उनके प्रति, उन दलों की जिम्मेदारी के प्रति, उन नेताओं के बयान के लिए। चलिए आशीष और अमित दोनों बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विपक्ष पर पलटवार किया और इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, ऐसे अहम मुद्दे पर राजनीति करना किसी के लिए भी शर्मनाक है। श्री शशि थरूर, श्री अखिलेश यादव, श्री जयराम रमेश कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने में पालन किए गए साइंस आधारित प्रोटोकॉल को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। जागिए और देखिए कि आप सिर्फ खुद को बदनाम कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर लिखा कि टीके में भी राजनीति, हे ईश्वर कमाल है भाई, भाजपा पर टीका टिप्पणी करते करते इतने भ्रमित हो गए कि उनके लिए अब कोविड का टीका भी भाजपा का हो गया। अब कोई इस पर क्या टिप्पणी करे, ऐसी बातें कर लाखों लोगों को भ्रमित कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं। वहीं बीजेपी ने शशि थरूर के विपक्ष के बयान को वैज्ञानिकों का अपमान बताया और उनसे माफी की मांग की। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी है? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को इतराज है कि भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस, ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी, देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्या ये साइंटिस्ट देश के लिए चिंतित नहीं है? आशीष के पास चलते हैं जो मुंबई में मौजूद हैं। आशीष, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति करिए लेकिन कम से कम वैक्सीन को लेकर नहीं, ये तो देश के लोगों का अपमान है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा सियासत हो रही है। कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है मुंबई में इस समय, वैक्सीन आई है, आपका क्या कहना है, क्या आपकी भावना है, बताइए। मेरे को हिंदी नहीं आता है तो। सर आप क्या कहना चाहेंगे, वैक्सीन आ गई है, अब क्या आपकी भावना है?
वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन बांटे और क्या भावना है, बांटना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, तब तो वैक्सीन का मतलब जानेगा और क्या भावना है। साफ तौर पर काफी इतने महीनों से आपका जो काम है, जो व्यवसाय है वो बंद है, अब वैक्सीन आने के बाद वो खुलेगा, कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो वैक्सीन गरीब में बटेगा, गरीब पाएंगे तो उनको फायदा होगा, तो धंधा पानी चलेगा। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि वैक्सीन आ गई है लेकिन ये गरीबों तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, अब ये प्राथमिकता होना चाहिए राज्य सरकार की, बीएमसी की और प्रशासन की। बिल्कुल, हम अरुण के पास चलते हैं। अरुण, ऐसे समय में जब वैक्सीन का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, लोग बेहद खुश हैं, इस पर राजनीति लोगों में कंफ्यूजन पैदा करती है। देखिए, निश्चित रूप से जिन नेताओं को लोग अपना आदर्श मानते हैं या उनको अपना नेता मानते हैं, अगर वो कोई सवाल खड़ा करता है वैक्सीन पर, खासतौर से अखिलेश यादव की बात करिए, कांग्रेस के कुछ नेताओं की बात करिए, तो निश्चित रूप से जो आम जनता होती है, जो इतना नहीं जानती है रिसर्च के बारे में या दवाओं के बारे में, वो थोड़ा बहुत भ्रमित हो जाती है। और इसीलिए अखिलेश यादव के बयान की आप देखिए कि तमाम लोगों ने निंदा की है, खासतौर से जो वैज्ञानिक कम्युनिटी के लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन को भारत की उपलब्धि बता रहे हैं, ऐसे लोगों ने जरूर अखिलेश यादव या शशि थरूर की बात करिए, जयराम रमेश की बात करिए, उनकी मजम्मत की है, उनकी निंदा की है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के महासचिव हैं, सोनिया गांधी की सलाहकार समिति के सदस्य हैं और मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने वैक्सीन का स्वागत किया है। यानी कांग्रेस में भी दो धड़े हैं, एक धड़ा जयराम रमेश या शशि थरूर जैसे लोगों का है जो वैक्सीन पर सवाल उठाता है, और समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री ने खुद इंटरेस्ट लेकर के जा करके जहां जहां वैक्सीन बन रही थी वहां तैयारियों का जायजा लिया ताकि थोड़ा स्पीड बढ़े, जल्दी लोगों को मिले। ये बात सही है, शशि थरूर कह रहे हैं कि फेज 3 का ट्रायल अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये सब बातें वैज्ञानिक भी जानते हैं। जो लोग ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया में हैं, काम करते हैं, उच्च संस्थान है, उसके वैज्ञानिक, उसके साइंटिस्ट भी ये बात जानते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने कहा है कि ये लोगों के लिए सुरक्षित है। तो ऐसे में इसकी राजनीति का निश्चित रूप से आपने कहा भ्रमित लोग हो जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए सबको मिल करके कि ये जो वैक्सीन बनी है, भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, वो आम जनता तक पहुंचे और इतनी बड़ी महामारी जो है उसको रोका जा सके, न कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे। इस बीच बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता वैक्सीन पर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, सांसद राज्यसभा। सर, किस तरीके से कांग्रेस के इस कंफ्यूजन को आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक उल्लेखनीय बात की ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया, जहां हमारे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों और शोधकर्ताओं ने मिलकर मानव अस्तित्व को बचाने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन की उपलब्धि देश के सामने रखा है, और जिसके पीछे भारत के राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर दुनिया के अन्य राजनेताओं से अलग हटकर अपने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया, जिससे वैक्सीन सही समय पर दुरुस्त रूप में आ सके। वहीं दूसरी ओर विपक्ष आज से नहीं है, आरंभ से ही इसको राजनीतिक और वैचारिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। ये विपक्ष की ओछी हरकत है, जिस हरकत को देखते हुए मुझे लगता है कि कोविड-19 के वैक्सीन के साथ साथ विपक्ष के दिवालियेपन के लिए भी अब एक वैक्सीन की जरूरत है, जिससे कम से कम वे ऐसी ओछी हरकत करना मानव अस्तित्व के इस प्रश्न पर बंद करें। अमित के पास चलते हैं। अमित, अब बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के दिवालियेपन के लिए भी एक वैक्सीन की जरूरत है, दिल्ली की जनता इस वैक्सीन को लेकर क्या राय रखती है और जो राजनीति हो रही है उस पर लोगों का क्या कहना है? देखिए, इस वक्त हम ग्रेटर कैलाश में यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां ये बयान दे रही हैं वैक्सीन को लेकर, ये सरासर गलत है, देश भावना के ऊपर उठना चाहिए। और चाहे वो समाजवादी पार्टी का बयान हो या फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान हो, इस तरीके से अगर वो बातें करते हैं तो ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं। सर, एक सेकेंड, एक ये सुनिए, वैक्सीन कल आई है भारत में, ये बताइए कि राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि नहीं, ये वैक्सीन ठीक नहीं है, हम तो नहीं लगवाएंगे, आप युवा हैं, आप लोग इस देश के निवासी होने के नाते वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ। वैक्सीन जो आया है, ये कोरोना काल जो आया, इसमें पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, इसीलिए हम लोग वैक्सीन से पूरे ये हैं कि अगर सरकार लगाना जनता को कह रहा है तो ज़रूर लगाएंगे।
लेकिन राजनीतिक पार्टियां अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ठीक नहीं है और कुछ न कुछ अभी कमी रह गई है। सर ऐसा है, ये राजनीतिक पार्टियां तो ऐसे ही विपक्ष को ऐसे ही आपस में लड़ाते रहेंगे, लेकिन ये वैक्सीन जो आया है इससे हम लोग बिल्कुल सहमत हैं। अगर सरकार लगाने के लिए जनता को कहेगा, हम बिल्कुल लगाने के लिए सहमत हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इस वैक्सीन से संतुष्ट है हम लोग, सरकार अगर लगवाना चाह रहे हैं हम लोग लगवाएंगे। देखिए ये यहाँ पे ये युवा है और लगातार यहाँ पर भी इनका ये कहना है कि अगर सरकार लगवा रही है तो हम लगवाना चाहेंगे, और एक भावना, एक संयुक्त तो लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों को श्रेय दिया, लेकिन सरकार के काम पर चुप्पी साध ली। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन करी है, उनको मेरा सलाम और उनको मैं सम्मान से वो करता हूँ। बहुत मेहनत से बनाए और मैं, मेरे को भरोसा है कि लोगों को जो है बहुत इसका लाभ होगा। अरुण, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुन रहे थे, तो जैसा कि आपने पहले बताया कि कांग्रेस के दो धड़े हैं, कुछ स्वागत कर रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली में कहां पर मौजूद हैं और जो आम लोग हैं उनकी क्या राय है? देखिए मैं दिल्ली में विजय चौक पर मौजूद हूं और 26 जनवरी का जो आयोजन होता है उसको लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उनका पालन करना होता है। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, यहां पर देखिए बैरिकेटिंग कर दी गई है, तो यहां पर सिर्फ सरकारी दफ्तर आसपास में जो लोग काम करते हैं, चाहे संसद भवन हो, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में, वैसे लोग ही हैं, तो आम जनता यहाँ पर जरूर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आम जनता की बात आपने सुनी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी बात आपने सुनी। एक धड़ा तो ये चाहता है कि वैक्सीन जैसी चीज़ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे नुकसान होगा पार्टी को, और ऐसा धड़ा है रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे पार्टी के टॉप लीडरशिप हो, वो नहीं चाहती कि एक वैक्सीन जो भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया उस पर सवाल उठाए जाएँ। शशि थरूर या जयराम रमेश ऐसे नेता हैं पार्टी में जिनको माना जाता है कि वो जनता से सीधे ताल्लुक नहीं रखते, उनको वोट नहीं बटोरना होता है, वोट जिनको बटोरना होता है वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। और ये पहला वाकया नहीं, कई ऐसे वाकये हुए हैं राष्ट्रहित के, देशहित के, जिस पर पार्टी की राय बटी रही है। धारा 370 की भी बात आप कर लीजिए, उसमें भी पार्टी की राय बटी थी। तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी अगर उसकी बात करें तो ऑफिशियल स्टैंड जो गौरव वल्लभ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की या रणदीप सिंह सुरजेवाला है उनका यही है कि वैक्सीन बनी है, उसका स्वागत है, आम लोगों को जल्दी से जल्दी लगाई जाए। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आम जनता कमोबेश खुश है क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से कमर तोड़ी है पिछले 5-7 महीनों में, लोगों के व्यवसाय की बात करिए, उनके नौकरी की बात करिए, उससे जितना प्रभाव पड़ा है, लोगों को उम्मीद बची है कि एक बार टीकाकरण हो जाने के बाद वो फ्री। बिल्कुल, तो लोगों के लिए एक सौगात भी है। अरुण, ठीक है, हम मुंबई चलते हैं आशीष के पास। आशीष, इस जो ये वैक्सीन को लेकर के ट्रायल पूरा हुआ है, लोगों को तो वैक्सीन मिलने जा रही है, इस पर तो खुश होना चाहिए, लेकिन विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र है और इस समय हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खड़े हैं। अब तक मुंबई में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में से एक है, मुंबई में अब तक इसका ड्राई रन शुरू नहीं हुआ है। हाल ही में कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, नंदुरबार और जालना में इसका ड्राई रन किया गया था। हालांकि बीएमसी ये दावा कर रही है कि पूरी तरीके से तैयार है, कुल 16 सेंटर्स बनाए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं जहां पर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। खुशी की बात यह है कि मुंबई जैसे भारी आबादी वाले शहर में वैक्सीन जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, इसके प्रयास जारी हैं सरकार की ओर से। हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे। वैक्सीन आ गया है कोरोना पर, क्या भावना है आपकी? सर देखिए, भावना तो ये कह लीजिए वैक्सीन आ गई है, लेकिन क्या वैक्सीन आने से कितना कंट्रोल हम कर सकते हैं? आज हम 4 दिन से आए हैं, एक दिन सैनिटाइज गली हो रहा है, ये मास्क लगाने से क्या हम कोरोना रोक लेंगे? जो मेन है, ट्रेन बंद है, बस में अभी जाइए कम से कम 500 लोग भरे पड़े हैं, तो जो मेन चीज़ें हैं, जो आम जरूरतें, वो पूरी नहीं हो रही। वैक्सीन वैक्सीन, मोदी जी वहाँ चिल्ला रहे हैं, वो वहाँ चिल्ला रहे हैं, क्या है? साफ तौर पर लोगों का कहना है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लोगों की जो भावना है आप देख सकते हैं, उनका गुस्सा सामने आ रहा है, ट्रेनें शुरू नहीं है, व्यवसाय बंद है, ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन मिल जाए, यही उन लोगों की मांग। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। अभी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का महाअभियान शुरू भी नहीं हुआ है और वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल विपक्ष एक साथ दो दो कोरोना वैक्सीन आने से बौखलाया हुआ है,
एक तरफ पूरा देश कोरोना वैक्सीन की खुशखबरी पर राहत की सांस ले रहा है, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब विपक्ष के वैक्सीन विरोध पर DCGI की तरफ से वैक्सीन पर आधिकारिक बयान आया तो विपक्ष के तेवर भी बदलने लगे। पहले वैक्सीन न लगवाने का बयान देने वाले अखिलेश यादव अब केंद्र सरकार से गरीबों के टीकाकरण की तारीख तय करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर घमासान, कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी ने कहा वैज्ञानिकों का अपमान, वैक्सीन पर सियासत तेज। देश में दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था DCGI ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। PM मोदी ने वैज्ञानिकों की इस कामयाबी के लिए देश के लोगों को बधाई दी और इसे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की ओर एक कदम बताया। लेकिन शायद ये बात कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रही है। अब आलम ये है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने देश में बनी कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कोवैक्सीन के सुरक्षित होने पर ही सवालिया निशान उठा दिए। शशि थरूर ने ट्वीट किया कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक नहीं हुआ, इसको समय से पहले मंजूरी दी गई जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कृपया सफाई दे, ट्रायल पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शशि थरूर के इस ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि ये देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का अपमान है। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी है? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है? ये भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस, ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी, देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्या ये साइंटिस्ट देश के लिए चिंतित नहीं है? कांग्रेस से पहले शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मानी नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन का विरोध करने के बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साध लिया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरी दुनिया कोविड से लड़ने के लिए, आज दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन पर काम किया है, भारत ने भी काम किया है, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ये समझ में नहीं आता, चाइना हिंदुस्तान हो तो कांग्रेस को दिक्कत, कोई कहता मैं नहीं कोविड लगाऊंगा वैक्सीन, तरह तरह का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसी बात, इससे बड़ी आलोचना और इससे सोचिए उन डॉक्टरों पर और वैज्ञानिकों पर कितनी, वो कितने कितने पीड़ा में होंगे जिन्होंने दिन रात इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए तपस्या किया, एक तप करके एक वैक्सीन तैयार हुई, और उस वैक्सीन को आप एक नाम दे दें कि वो बीजेपी का वैक्सीन है, इससे इमेच्योर स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं। वैक्सीन पर दिए बयान पर अखिलेश यादव को कहता देख समाजवादी पार्टी की ओर से सफाई सामने आई।
समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए पीएम और उनकी कैबिनेट को सबसे पहले टीका लगाने की नसीहत दी। देखिए, जो वैक्सीन इंडिया ने बनाई है, हम लोगों को अपने देश के वैज्ञानिकों पर, साइंटिस्टों पर, डॉक्टरों पर गर्व है और हमें उम्मीद है कि इस वैक्सीन को अनुमति भी मिल गई है, परमिशन मिल गई है और ये वैक्सीन सबसे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को लगवाएंगे, अपनी पूरी कैबिनेट को लगवाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो इसकी शुरुआत खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। लेकिन कोरोना वैक्सीन का विरोध करने के मुद्दे पर बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को आरजेडी ने भी आड़े हाथों लिया और वैक्सीन पर राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। अखिलेश जी के इस बयान से सहमत नहीं है। ये वैक्सीन जो है ये कोई पॉलिटिकल इशू जो है नहीं बनना चाहिए। पूरी दुनिया ये जो कोरोना की शिकार है, सब लोग त्रस्त हैं। बड़े बड़े देश, ताकतवर देश जिनको माना जाता था, अमेरिका को, अमेरिका की हालत जो है खराब है। तो ये वैक्सीन जो है लगातार एक वैज्ञानिक शोध के बाद जो है तैयार होता है। इसका ट्रायल करने का एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, उसके बाद उसको मनुष्य पर इस्तेमाल करने का की इजाजत जो है मिलती है। लेकिन कोरोना वैक्सीन के विरोध पर कांग्रेस में कंफ्यूजन दिख रहा है, जहां शशि थरूर और जयराम रमेश सरीखे नेता को वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर भी अखिलेश यादव को वैक्सीन पर विवाद न खड़ा करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और ये जो अभी सही है कि अभी उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है और इस तरह से उस पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं होगा। हम लोगों को देखना चाहिए कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर उसमें कोई कमी हो तो उसको दूर किया जाए। लेकिन ये साफ कह देना, इनकार कर देना कि हम इस वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। विपक्ष आज से नहीं है, आरंभ से ही इसको राजनीतिक और वैचारिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। ये विपक्ष की ओछी हरकत है, जिस हरकत को देखते हुए मुझे लगता है कि वैक्सीन कोविड-19 के वैक्सीन के साथ साथ विपक्ष के दिवालियेपन के लिए भी अब एक वैक्सीन की जरूरत है, जिससे कम से कम वे ऐसी ओछी हरकत करना मानव अस्तित्व के प्रश्न पर बंद करें। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली रजा अकादमी ने भी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अपना स्टैंड बदल लिया। अकादमी ने भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को बधाई देते हुए सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। कोविड की वैक्सीन बना ली है और हुकूमत ने उसको इजाज़त भी दे दी है, लिहाजा हम हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और साथ ही जिन दो कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन बनाए हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें यकीन है कि हमारे मुल्क भारत में जो वैक्सीन बनी हुई है उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी कि जिस पर किसी को कोई एतराज़ हो। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर खुद को घिरता देख वैक्सीन ना लगवाने का बयान देने वाले अखिलेश यादव के सुर बदल गए और अब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार से गरीबों के लिए टीकाकरण की तारीख तय करने की मांग की है। नए साल की शुरुआत से ही कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसा है। जल्दी से पहले अरुण का रुख। अरुण, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जो सवाल विपक्ष उठा रहा है वो सही है क्या? क्यों ट्रायल सही से नहीं हुआ? क्या ये वाकई खतरनाक हो सकता है? देखिए, ट्रायल सही से हुआ कि नहीं ये बात कौन तय करेगा? ये बात तय करेंगी देश में जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं इस मसले को लेकर के, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने जब ये कहा कि ये ड्रग जो है, ये जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है, किसी भी ड्रग्स को, किसी भी वैक्सीन को प्रमाण पत्र देने वाली संस्था अगर ये कहती है कि 2 फेज के ट्रायल के बाद ही या 3 फेज के ट्रायल के बाद भी अगर ये सुरक्षित है, इमरजेंसी यूज की जा सकती है, तो फिर राजनेताओं के पास कौन सी एक्सपर्टाइज है? शशि थरूर सवाल उठा रहे हैं कि 3rd फेज का ट्रायल किसी वैक्सीन का नहीं हुआ तो क्या वो सही है?
सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उसको नकार देना और ये कह देना कि हम नहीं लगवाएंगे, इतनी बड़ी जनता है 120-30 करोड़ देशों के लोगों के देश में, अगर आप इस तरह से राजनेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हों या पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हों वो बयान देते हैं तो भ्रम की स्थिति होती है। और अगर भ्रम की स्थिति होती है तो आप देखिए कि जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। आप देखिए पाकिस्तान में पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए कितना समय लग गया, क्योंकि वहाँ पर तमाम मुल्ला और मौलवी भ्रम की स्थिति पैदा करते रहे और आज तक पोलियो से इरेडिकेट कर पाना बड़ी मुश्किल बात हुई, जबकि दुनिया के तमाम मुल्कों से पोलियो खत्म हो गया। तो अगर इस तरह का भ्रम यहाँ फैलाया जाएगा, आप देखिए पोलियो को लेकर के भी इसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था, लेकिन देखिए सदी के महानायक से लेकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको आगे आना पड़ा। राष्ट्रपति पोलियो की ड्राफ्ट देते थे, प्रधानमंत्री देते थे, अमिताभ बच्चन देते थे, उसको बाद तमाम कोशिशों के बाद पोलियो उन्मूलन की दिशा में हम आगे बढ़ पाए हैं। तो इस तरह की वैक्सीन अगर मिलती है और वैज्ञानिक उसको हाँ कहते हैं तो मुझे लगता है कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत नहीं। देखिए सवाल ये भी है कि जनता क्या सोचती है इस पर, और ये जानने के लिए जल्दी सरोक आशीष का कर लेते हैं। आशीष लोग हैं आपके साथ, जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर वैक्सीन आ गई है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आम जनता हमारे साथ है। पिछले कई महीनों से आपका जो व्यवसाय बंद था, वैक्सीन आने से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो अच्छा होना चाहिए सर, आ जाइएगा तो अच्छी बात है, तो पब्लिक बहुत परेशानी है। और दूसरी बात ये है कि कोरोना की वजह से हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को बहुत परेशानी है सर। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू हो जाए। वैक्सीन को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, वो कह रहे हैं हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, कैसे देखते हैं आप? इसमें जो सर ऐसा कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक की बात अलग है। और जो बात ये है कि आगे जो हमारी दवा है आम आदमी व्यक्ति के लिए अच्छा ही होगा, लगाना जरूरी है क्योंकि व्यक्ति सब परेशानी है। और दूसरी बात यह है कि इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दवा ऐसी चीज है हर इंसान के, हर व्यक्ति के अंदर कामयाबी है। साफ तौर पर अर्पिता, जो लोगों की प्राथमिकता है वो ये है कि उन्हें उन तक वैक्सीन कैसे पहुंचे। कॉलेज जाने वाले कुछ लोग हमारे साथ, कुछ नौजवान लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनकी उनकी क्या भावना है कोरोना वैक्सीन को लेकर? ये हम पहुंचेंगे, वैक्सीन आ गया है, स्कूल कॉलेज अब शुरू होंगे, क्या भावना है आपकी? जी स्कूल कॉलेज शुरू हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम एक्चुअली हो ही रहा है, ऑनलाइन से क्या होने वाला है सर। अगर मतलब जारी रहे जैसे हम लोग पहले स्कूल जाते थे, अगर वैसे जाएंगे तो और अच्छा रहेगा जी। साफ तौर पर कुछ और छात्र हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, क्या आपका कहना है, वैक्सीन अब आ गई है, मंजूरी मिल गई है? भाई जो ये कह रहे हैं वही सब सब सच है, वही होना चाहिए, और क्या जो पब्लिक बोल रही है अब सुन ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं। काफी ज्यादा नुकसान जो पढ़ाई को लेकर हुआ है, साल बर्बाद एक तरीके से उनका हो गया है, काफी खुश हैं कि वैक्सीन आई है, बस लोगों की अब ये उम्मीद है कि उन लोगों तक वैक्सीन कैसे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है आशीष, आप साथ रहिए। एक और देखिए, देश में नए साल पर दो दो वैक्सीन आने पर खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष की ओर से वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें अखिलेश ने वैक्सीन को लगवाने से इनकार कर दिया। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है, चिदंबरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं, हुड्डा को रोज सीबीआई जाना पड़ता है, हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। वैक्सीन पर जारी बयानबाजी के बीच यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा। जैसा नेता वैसा उनका कार्यकर्ता। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में एक कंपटीशन चल रहा है कि बौद्धिक क्षमता किसके पास ज्यादा है, कौन ज्यादा बड़ा पप्पू है, इस तरह की प्रतियोगिता इन लोगों के बीच में चल रही है। तकरीबन 1 वर्ष तक वैक्सीन को बनाने में लगा दिया जिन लोगों ने, ये उनकी मेहनत का मजाक उड़ाने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं।
अब ऐसे लोगों की बुद्धि, ऐसे लोगों का विवेक, उन लोगों को मुबारक हो। अरुण, देखिए राजनीति इस पर हो रही है, बड़े सवाल इस पर उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये कि कई मानकों पर तो परीक्षण हो गया कि वैक्सीन ठीक है या नहीं ठीक है, उपयुक्त है या नहीं है, लेकिन जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्या सरकार इसके पक्ष में सोच रही है कि कुछ बयानबाजी दी जाए ताकि जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही वो खत्म हो जाए? देखिए, इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये वैक्सीन बीजेपी ने तैयार नहीं की है, देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की है। देश के सीरम इंस्टीट्यूट की बात करिए, उसने तैयार की है। जो लोग वैक्सीन तैयार करते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। इसलिए पहली बात तो वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है। दूसरी बात, जज का काम फैसले देना है, न्यायपालिका का काम है फैसले देना, और संसद का काम है कानून बनाना। एक दूसरे के काम में अड़ंगा डालने से लोकतंत्र नहीं चलता है। अगर ये नेता भरोसा नहीं करते हैं देश के वैज्ञानिकों पर, तो उनको खुद बताना चाहिए, खुद रिसर्च करके बताना चाहिए कि क्यों इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो सर्वोच्च संस्था है किसी भी दवा या वैक्सीन के देश में लागू करने या उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लागू करने के लिए, अगर वो कह रहे हैं कि इसका इमरजेंसी इस्तेमाल हो सकता है, तो इन नेताओं के पास कौन सी प्रयोगशाला है, कौन से वैज्ञानिक हैं जिनकी जिनके इनपुट के आधार पर वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं होगा, मैं नहीं लगवाऊँगा। अगर ये नेता इस तरह का बयान देते हैं तो यकीन मानिए जो गांव में लोग रहते हैं, जो उस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं, वो लोग हो सकता है कि वैक्सीनेशन ना करवाएं। और अगर ये ऐसी बीमारी है कि अगर एक भी व्यक्ति वैक्सीनेशन नहीं कराता है तो बाकी जितने लोग उसके आसपास हैं उन पर खतरा मंडराता रहता है, और इसलिए इस तरह की बयानबाजी निश्चित रूप से लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ठीक है आशीष, लोग आपके साथ हैं, जरा लोगों से बात कीजिए कि जो विपक्ष कह रहा है, जो सवाल खड़े कर रहा है, अब क्या उनके दिमाग में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है क्या? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कुछ लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, वैक्सीन जो आई है, ठीक है, सबसे पहले आपकी क्या भावना है? वैक्सीन आई है, काफी पिछले कई महीनों से आपका व्यवसाय जो बंद है। वैक्सीन आई है तो सरकार ने बनाया है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो अच्छे बनाया है, हम लोग के लिए बनाया है, तो ठीक ही बनाया है। अब उसको लेकर राजनीति हो रही है, सरकार विपक्ष ये कह रहा है कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये किसी एक पार्टी की वैक्सीन है, तो क्या कोई भ्रम वैक्सीन को लेकर आपके मन में है? ऐसा कोई भ्रम नहीं है, जो कर रहे हैं राजनीति वो अलग बात है, करते हैं तो करते होंगे, लेकिन जो आया सरकार लाया तो ठीक है। क्या मांग होगी आपकी? फ्री मांग होगी, पूरे देश वालों को फ्री वैक्सीन लगाए, पोलियो जैसा। साफ तौर पर अभ्यता लोगों का कहना है कि मुफ्त में ये वैक्सीन उन्हें मिलनी चाहिए, राजनीति इस पर लेकर नहीं होनी चाहिए, और जल्द से जल्द जैसे उनकी जिंदगी पहले चल रही थी वैसे ही जिंदगी उनकी फिर एक बार पटरी पर आ जाए। ठीक है, आप साथ रहिए। इस बीच वैक्सीन पर सियासी बयानबाजी के बीच आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। उनके प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर फ्री वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार की तर्ज पे केंद्र सरकार भी कह रही थी कि वो फ्री में वैक्सीन देगी, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम था, और मेरी केंद्र से यही इच्छा रहेगी, निवेदन रहेगा कि वो फ्री में ही वैक्सीन दें। पहले कहना कि फ्री में वैक्सीन देंगे और फिर बाद में उसके ऊपर ये कहना कि अभी फिर फर्स्ट फेज के अंदर फ्री में देंगे, तो ये जो है ये ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार की तर्ज पर सब जगह जो है फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए, और हमारी जहां जहां जिस जिस राज्य में सरकार बनेगी हम वहां पे फ्री वैक्सीन देंगे। अब तक वैक्सीन का विरोध करने वाली रजा एकेडमी का कहना है कि वैक्सीन भारत में बनी है तो उम्मीद करते हैं कि इसमें ऐतराज वाली चीज शामिल नहीं होगी। हम हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, और साथ ही जिन दो कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन बनाए हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमें यकीन है कि हमारे मुल्क भारत में जो वैक्सीन बनी हुई है उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी कि जिस पर किसी को कोई एतराज़ हो। अरुण, देखिए जहां एक तरफ रजा एकेडमी विरोध का स्वर छोड़कर अब सपोर्ट में बोलती हुई नजर आ रही है, वहीं कई विपक्षी दल अब खुलकर सामने आ गए और वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, खासतौर से अगर शशि थरूर की बात करें तो वो कह रहे हैं थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ, वैक्सीन को जल्दबाजी में लगाया जा रहा है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सुरक्षित है और इमरजेंसी यूज इसका हो सकता है। इसके अलावा अगर रजा एकेडमी की बात करिए, वो ये कह रही थी कि कुछ ऐसे
धार्मिक बंधन है उनके सामने, जिसकी वजह से जिन चीज़ों का इस्तेमाल इस वैक्सीन में हुआ है वो नहीं लगवा सकते। लेकिन मैं बताऊं कि यूनाइटेड अरब अमीरात की जो सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है उसने ये बयान जारी करके कहा था कि अगर कोई हराम चीज़ भी है और अगर वो जान बचाने के काम आती है तो उसको हलाल माना जाए। यानी वो भी ये कह रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन लोगों की जान बचा रही है तो इस पर बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं कि उसके अंदर कंपोनेंट क्या है। जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं उनके सबके कंपोनेंट नहीं पूछते। पूरी दुनिया में ज़्यादातर ये जो दवाएं हैं वैक्सीन है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनती हैं, जहां हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख के वो वैक्सीन नहीं बनाते हैं। तो ये एक विवाद जो है जिसको बहुत सारे नेता हैं गैर जरूरी कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का किस फेज तक ट्रायल हुआ उस पर सवाल था। लेकिन वैज्ञानिकों के जवाब के बाद मुझे लगता है कि इस पर सियासतबद्ध होनी चाहिए। वो ये है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है और मास वैक्सीनेशन से पहले इसके सीमित या इमरजेंसी यूज की अभी उन्होंने अनुमति दी है, जो कि अब कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। ड्राई रन इसका हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आशीष का भी रुख कर लेते हैं, लोग हैं उनके साथ। आशीष, जरा लोगों से बात कीजिए इस पर। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अर्पिता, लोगों का साफ तौर पर ये मानना है कि भले जो वैक्सीन आई है उस पर सियासत ना हो और उन्हें जल्द से जल्द ये वैक्सीन उन तक पहुंच सके। क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन पर जो सियासत हो रही है? सियासत सर क्या बोले, अभी आम आदमी जो बोलते हैं करते हैं वो होता नहीं है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। दवा आ गया है तो पब्लिक को जरूरी है लगाना, यही हमारी विनती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अपना काम करे कि हम पब्लिक में जल्द से जल्द दवा इलाज शुरू हो जाए। जी, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन आई है, क्या भावना है आपकी, क्या मांग है? वैक्सीन आना चाहिए तो आम जनता का किसी सही है, अच्छा रहेगा। साफ तौर पर अर्पिता, यहाँ के जो लोग हैं उनकी ये प्राथमिकता है, वैक्सीन आ गई है उन्हें खुशी है, लेकिन जल्द से जल्द उन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है, लेकिन अब तक यहाँ पर ड्राई रन नहीं हुआ है, ये एक चिंता का विषय है। बीएमसी हालांकि ये दावा कर रही है कि पूरी तैयारियां हैं, जैसे ही वैक्सीन आती है तो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुँचाया जा सके। आशीष, एक छोटा सा रिएक्शन और लोगों से लीजिएगा कि जब वैक्सीन आ जाती है तो वो उसके लिए तैयार है लगवाने के लिए, या किसी प्रकार का डर या संशय उनके मन में है और वो नहीं जाएंगे वैक्सीन लगवाने, क्या सोच रहे हैं लोग? जी, वैक्सीन को लेकर जो सियासत हो रही है, क्या उसके बाद आपको इस वैक्सीन को लेकर आपके मन में कोई डर है किसी प्रकार का, या आप वैक्सीन लगवाएंगे, क्या कहेंगे? सर इसमें डरने की कोई बात नहीं, दवा है लगाना जरूरी है पब्लिक को। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक्चुअली क्या है, आदमी को डरना नहीं चाहिए, दवा से कभी डरना नहीं। दवा एक ऐसी चीज़ है इंसान की ज़िंदगी बच सकती है, अगर आदमी डरता है तो गलत फहमी है, गलत नहीं होता दवा, दवा अच्छा ही होता है सर। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि दवा लगवाने के लिए उनके मन में कोई डर नहीं है और दवा लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। अर्पिता, तो जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं संशय की स्थिति कह रहे हैं उनके मन में नहीं है, वैक्सीन का कब से इंतजार कर रहे थे और इसीलिए अब लोग ये सोच भी रहे हैं कि वैक्सीन जैसे भी आती है वो जरूर लगवाएंगे। लेकिन अरुण, बड़ा सवाल ये है कि वो विपक्ष जिसे ऐसे वक्त पर साथ रहना चाहिए, इस पर सवाल उठाकर भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। जैसा आप भी कह रहे हैं कि कई लोग जो गांवों में हैं जिन तक बहुत खबरें नहीं पहुंच पाती और जो इसको मानते हैं, विपक्ष की सोच रखते हैं, वैसी मानसिकता रखते हैं, वो तो कहीं ना कहीं भ्रम में रह सकते हैं ना? देखिए, वो भ्रम में इसलिए भी रह सकते हैं कि अगर अखिलेश यादव, उनकी पार्टी का एक बड़ा कैडर है उत्तर प्रदेश में, अगर वो कहते मैं नहीं लगवाऊंगा तो उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी कहेंगे मैं नहीं लगवाऊंगा। और जैसा कि वैक्सीनेशन में होता है, अगर आपने सबको वैक्सीनेट नहीं किया, कुछ लोग छूट गए, तो वायरस का प्रकोप फिर दोबारा बढ़ता है। किसान आंदोलन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बयान आया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बयान आया है किसान आंदोलन पर। बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस किसान आंदोलन में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनको लेकर एक बयान जारी किया है। किसानों से सीधे खरीद नहीं करने का पूरा बयान जारी किया है। किसान आंदोलन में फैलाया जा रहा है भ्रम को खारिज करने से जुड़ा बयान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जारी किया है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं।
कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा नहीं, कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कभी कोई जमीन नहीं खरीदी, आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। जारी किया गया है बयान रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं, सप्लायर किसानों से सिर्फ MSP पर ही खरीदारी करते हैं। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, रिलायंस ने बयान दिया है, किसानों के साथ लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ। किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित पंजाब में हुई के लिए समर्पित है रिलायंस इंडस्ट्रीज। पंजाब में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को हुड़दंगियों से बचाने की अपील की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, और पंजाब में हुड़दंग के पीछे कारोबारी प्रतिद्वंदियों के अपने स्वार्थ हैं, ये कहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा बयान किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया है कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का भी कोई इरादा है। रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसने कभी कोई जमीन नहीं खरीदी, ना ही खेती के लिए कोई जमीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं और उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ MSP पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। रिलायंस ने कहा कि वो किसानों के साथ है लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है। रिलायंस ने अपने बयान में बताया कि पंजाब में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। रिलायंस ने हाई कोर्ट से पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को हुड़दंगियों से बचाने की भी अपील की है। रिलायंस ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि पंजाब में हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों के अपने स्वार्थ हैं। ये बड़ा बयान किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया है कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का कोई इरादा है उनका। रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसने कभी कोई ज़मीन नहीं खरीदी और ना ही खेती के लिए कोई ज़मीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं और उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ MSP पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। रिलायंस ने कहा कि वो किसानों के साथ है लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है। रिलायंस ने अपने बयान में बताया कि पंजाब में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। रिलायंस ने हाई कोर्ट से पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को हुड़दंगियों से बचाने की भी अपील की है। रिलायंस ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि पंजाब में हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों के अपने स्वार्थ हैं। बड़ी बात इस बयान की रिलायंस की तरफ से ये कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का इरादा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उनका कहना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है संपत्ति को। उसको लेकर अदालत भी गई, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। किसान आंदोलन में फैलाया जा रहा है भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस ने अपना बयान जारी किया कि और साफ किया कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का भी कोई इरादा है। रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसने कभी कोई ज़मीन नहीं खरीदी और ना ही खेती के लिए कोई ज़मीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं और उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ MSP पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। रिलायंस ने कहा कि वो किसानों के साथ है लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है। अपने बयान में बताया कि पंजाब में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। रिलायंस ने हाईकोर्ट से पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को हुड़दंगियों से बचाने की भी अपील की।
अपनी याचिका में यह भी कहा कि पंजाब में हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों के अपने स्वार्थ हैं। तो एक ब्रेक ले रहे हैं यहां पर, लेकिन यह बड़ा बयान रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, इस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, इस पर यह भी देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।